हेलो गाइस, सो मेरा नाम अखिल और मिशेल का नाम है स्मार्टफोन रखते हो। जो आज के टॉपिक है आपने टाइटल देख लिया होगा, यप रेट ओएस का गाइस रिव्यू है वर्जन 1.2 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू फॉर आर पोको एफ एन रेट ओएस। हाँ सही है ना प्रोनाउंसिएशन, WRATH यस करेक्ट। रेट ओएस का गाइस आपका रिव्यू वीडियो देखो। ओवरऑल अभी तक मुझे रोम बहुत अच्छी लगी है, बट एक दो इसमें मुझे थोड़े डिसएडवांटेजेस लगे हैं। सो पूरी इस रिव्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंटली जो इस रोम का स्टॉक कर्नल लगा इस, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, जो डिफॉल्ट कर्नल था ODK ऑप्टिमस डंग कर्नल, तो करंटली वही यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, मैं कस्टम कर्नल के लिए पहले सोचा था गाइस, जिनोज या बहुत कर्नल्स भी अवेलेबल है, बट ODK वन ऑफ द बेस्ट कर्नल गाइस माना जाता है अगर आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप चाहिए। ओके, सो पूरी इस रिव्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपके अबाउट सेक्शन में। ऑब्वियसली भाई आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट ही मिलता है, बट स्टिल भाई अब तो अगस्त टोटली जाने वाला है, तो और इधर आपका एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच वैसे 5 अगस्त का हम कह सकें। कर्नल वर्जन वही मैं जो उसका डिफॉल्ट कर्नल ऑप्टिमाइज डंग कर्नल वही यूज़ कर रहा हूँ। कस्टम कर्नल अगर आपको यूज़ करना है कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊँगा भाई क्यों ज़रूरी है नेसेसरी अगर आपको यूरोम यूज़ करनी है विद कस्टम कर्नल, क्योंकि थोड़ी भाई सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फटाफट यहाँ पे पहले हम स्टेटस बार से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको वही बिल्कुल सेम मिलेगा, लोकेशन डार्क थीम वही सब कुछ यहाँ पे आपको टोटली सेम मिलेगा। और सिंक स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है, या अगर आपको इंटरनल भी रिकॉर्ड करें तो यहाँ पे हो जाएगी, तो वही सेम ही है स्क्रीन रिकॉर्डर में अगर हम बात करें तो। और इधर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ये तो आपको वन प्लस वाला है, बट प्रॉब्लम आपको इसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड सही से नहीं होती है। मी साउंड एनहेंसर आपको इधर मिल जाता है, डायरेक्ट साउंड एनहेंसर नहीं है। और ऑर्थोन प्रोफाइल्स यहाँ पे भाई आपका सेम ही। अगर हम एडिट में जाएंगे तो हाँ यार, आपको गेमिंग मोड, डेटा सेवर, स्क्रीन कैश, सारी चीज़ें इधर आपको मिल जाएगी। ओके, तो नीचे थोड़ा जाएंगे मोटो ऑडियो, क्योंकि इसमें डॉल्बी का ही सपोर्ट मिलता है, प्री बिल्ड है कहने का मीनिंग है। तो या तो आपको सारा स्टेटस बार हो गया। अब फटाफट गाइस चलते हैं बेंचमार्क्स पे, जो आपके बेंचमार्क्स है सॉरी, आपका गीक बेंच 5 है विद ODK ऑप्टिमस ड्रंक कर्नल। सिंगल स्कोर आपका मुझे ठीक लगा यार, स्टिल तब भी ये कर्नल अच्छा परफॉर्म करा है इसने, अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें। आई नो गाइस सब कुछ स्पीड बैंड नहीं होता। सिंगल स्कोर आपका 520 है, मल्टी स्कोर आपका 2301 है। फटाफट अगर हम 3D मार्क की बात करें, वो भी ठीक ठाक है। अगर हम ओपन जेल 3.1 की बात करें, 4900 का है, और वुल्कन भी आपका 4500 का है ऑलमोस्ट। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी है। अगर हम मैस की बात करें तो गाइस सीधा आपकी सीटर्स प्रोफाइल यहाँ पे ट्रू जाती है विदाउट मैस्क हाइड, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैस्क हाइड नहीं कर रखा है, स्टिल जो मेरी सीटर्स प्रोफाइल है वो यहाँ पे ट्रू जाएगी और बेसिक इंटीग्रिटी भी यहाँ पे मेरी ट्रू जाएगी, जिससे मुझे बहुत सी चीज़ लगी है सिमिलर टू जैसे आपको कॉर्वस था। हाँ, और भी रोम ऐसी अवेलेबल है, आपको मैच हाइड करने की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं पड़ती स्टिल। और बैंकिंग ऐप सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है, नेटफ्लिक्स यहाँ पे आपका अवेलेबल, ठीक है। अब फटाफट यहाँ पे चलते हैं हम DRM इन्फो में भी यहाँ पे आपका 11 सिक्योरिटी तो मुझे सही लगी है ब्रेथोस। और GK में आपको GKM गो मिल जाता है। ये आपका इधर हो गया बेंचमार्क्स, हो गया मैस्क, हो गया। अब बात करते हैं फटाफट गाइस इसके फीचर्स की। सेटिंग में चल दो भाई। और तो इधर आपका अगर हम बैटरी में जाएंगे तो जब आपको थर्मल प्रोफाइल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको भाई डिज़ाइन बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, कितने साइकिल्स चार्ज हुई है कंप्लीट होने में। थर्मल प्रोफाइल्स में आपको चूज़ करना पड़ेगा, जो भी अगर आपको चूज़ करना है। ओवरऑल अगर जैसे पबजी खेलो तो थर्मल प्रोफाइल्स में आप यूज़ कर सकते हो गेमिंग के लिए, बिकॉज हम स्टॉक कर्नल यूज़ कर रहे हैं इस रोम का, जो उसका ऑप्टिमाइज रंग करना है, जो उसका डिफॉल्ट करना है, तो थर्मल प्रोफाइल्स यहाँ पे आपकी वर्किंग होगी। सो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। एनिमेशन मुझे बहुत सही लगे हैं, जैसे सिमिलर टू आपका कॉर्वस ब्लिस रोम वही है, तो एनिमेशन मुझे अच्छी लगे। और यहाँ पे आपका मिल जाता है लाइव डिस्प्ले, आपको मिल जाती है स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें नॉच बिहेवियर का, यहाँ आपको मिल जाएगा हिडन करना है, डिफॉल्ट करना है, जो भी रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो। टैप टू वेक आपको पता है मैं हमेशा डिसेबल रखता हूँ, कॉज CPU बैकग्राउंड में रन करेगा तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, बैटरी आपकी कहने का मीनिंग थोड़ी ड्रेन होती है अगर CPU पीछे ऑन रहेगा बैकग्राउंड में। तो अगर हम साउंड में जाएंगे, अब आपको मी साउंड एनहांसर मिल जाता है, बट डायरेक्ट का साउंड एनहांसर आपको नहीं मिलता, तो उसके लिए आप वाइपर फॉर एंड्रॉइड यूज़ कर सकते हो। डॉल्बी पहले से है फिर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिंपल मी साउंड एनहांसर की रिक्वायर्ड ही नहीं जब आपको यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट मिलता है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपका, सो ये मुझे सही चीज़ लगी है भाई। ओके, सो डॉल्बी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर हम साउंड की यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक इसका मुझे सबसे बड़ा अभी तक डिसएडवांटेज लगा, आपको बताऊंगा। प्राइवेसी में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में इसका एक डिसएडवांटेज आप समझ गए होंगे कि फेस अनलॉक इसमें आपको नहीं मिलता है भाई। ओवरऑल रोम मुझे बहुत सही लगी है, बट स्टिल यार फेस अनलॉक कम से कम होना चाहिए, जो इसमें आपको नहीं मिलता है। सो फिंगरप्रिंट से आपको गुजारा करना पड़ेगा। और अगर हम अकाउंट्स में जाए, एक्सेसिबिलिटी में ये आपको रेज हब अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, डिजिटल वेलबिंग हुआ, गूगल हो गया, पोको पॉट्स में जाएंगे तो इनेबल USB फास्ट चार्ज, जैसे ही आप फोन को कंप्यूटर से पीछे कनेक्ट करोगे। और सिलेक्स मोड इन्फोर्सिंग अगर चेंज करना है आप कर सकते हो परमिशन पे, बट रूट परमिशन आपके पास जैसे होनी चाहिए। और प्रसिस्ट अक्रॉस रिबूट्स ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है।
और ये आपका इधर हो जाता है सिस्टम में। अगर हम चलते हैं तो आपको लैंग्वेज डेटा बैकअप, हाँ अपडेटर आपको आपको मिल जाता है, बट अभी करंटली कोई अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें अबाउट फोन की तो वही है सेम। अब फटाफट हम करते हैं जो आमीन बात करते हैं जो आप इसका रेजर हवा अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। थीम्स हो गया, थीम्स जो भी आपको वहाँ पे कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। स्टेटस बार का जैसे आपको मिल जाता है ट्रैफिक इंडिकेटर्स, बट नॉट्स है तो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। हाँ स्टेटस बार से आप देख सकते हो, बट स्टिल रोमिंग इंडिकेटर सारे इधर आपको तो 4G आइकन वही आपका सेम ही है यार। क्विक सेटिंग्स में जाओगे तो ज़्यादा यहाँ पर आप कुछ नहीं, नोटिफिकेशन में जाओगे हेडसअप का होगा, चार्जिंग LED ये तो आपको उधर कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम बटन्स में जाएंगे तो अगर आपको वॉल्यूम रॉकर्स करने हैं तो उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, कहने का मीनिंग है। और लॉक स्क्रीन पल्स ही ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं है। गेस्चर्स में जाओगे तो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन आ जाते हैं AOSP के, और नीचे गेस्चर मोड ट्वीक भी मिल जाता है, मतलब फुल स्क्रीन गेस्चर्स अगर आपको यहाँ पे नेसेसरी है तो। जैसे आपको ये नीचे रिमूव करना है तो इसको इनेबल करोगे पूरे फुल स्क्रीन गेस्चर्स इनेबल हो जाएंगे, जैसे आपका सिमिलर टू पैन एंड्रॉयड रोम में था वैसे ही सिमिलर टू आपको इसमें मिल जाता है। ओके सो ये अगर आपको यूज़ करना तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये तो पीछे आपका हो गया। और नेक्स्ट में जाओगे तो आपका गेमिंग मोड मिल जाता है यहाँ पे जो ठीक लगा है। अबाउट में जाओगे तो सारी वाइज डेवलपर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन मेंटेनर है ये सारे इधर आपको मिल जाएगा, क्योंकि और भी डिवाइस के लिए रोम अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो उसकी 1.2 वर्जन बेस्ड ऑन .Q। सो ये गाइस आपको आता है कस्टमाइजेशन का। अब बात करते हैं ओवरऑल पबजी मतलब मेन परफॉर्मेंस और आपके बैटरी बैकअप, क्योंकि मुझे ODK के साथ भाई परफॉर्मेंस से पहले बैटरी बैकअप की बात करें जो आपको ऑप्टिमाइज रन करना है उसके साथ मुझे बैटरी बैकअप बहुत अच्छी लगी। बिकॉज एक जैसे टाइम तक आई जब ओरियो और पाई की रोम्स अवेलेबल होती थी तो उस टाइम का जो सबसे बेस्ट कर्नल होता था इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप, मानता हूँ भाई बेस्ट कोई चीज़ होती नहीं, बट स्टिल फ्रेंको कर्नल सबसे अच्छा रहता था भाई। अगर हम बात करें इफ़ यू वॉन्ट अ गुड बैटरी बैकअप तो फ्रेंको कर्नल आप यूज़ कर सकते पहले, बट करंटली अगर आप पोको पे कोई आपको एक रोम यूज़ करनी है और अगर आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप यूज़ करना है तो भाई ODK सबसे बेस्ट होगा यार। जैसे आपका ऑप्टिमाइज रन करना है वो आप यूज़ कर सकते हो, और खुद देखते हो 7-8% का आपका एक्टिव डेन है। ऐसा भी टाइम है था भाई 6-7% का एक्टिव डेन था जो स्टार्टिंग में, बट स्टिल नॉर्मल आपका 7-8% का एक्टिव डेन होगा। बैटरी आई मीन जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो मुझे ठीक ठाक लगा 35-36 था। ओके अगर हम बात करते हैं आपका एक्टिव डेन, ये तो आपको बता दिया मैंने विदाउट गेमिंग, विद गेमिंग अगर एक्टिव डेन बताते हैं तो भाई ठीक था 25-27% का इसका एक्टिव ड्रेन था जो ओवरऑल ठीक है। 30 बस टच नहीं करना चाहिए अगर कोई भी कस्टम कर्नल आप यूज़ कर रहे हो ऑन एनी स्पेसिफिक रूम। 30 का टच करोगे टच कर दे समझ जाओ भाई फिर बहुत दबा के बैटरी आपकी कंज्यूम हो रही है वाइल गेमिंग, बट इसका 25-27% था। टेम्परेचर बस थोड़ा मुझे राइज लगाया विद गेमिंग टॉकिंग अबाउट 42-43% आपका इसका टेम्परेचर था विद गेमिंग। सो उसके लिए कि अगर आपको अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें देखो यार ODK के साथ मुझे थोड़े FPS ड्रॉप दिखे थे, टच इश्यूज मुझे कुछ नहीं दिखे, बट यार देखो FPS ड्रॉप तो आपको थोड़े बहुत तो दिखेंगे, ऐसी भाई कोई भी नहीं है कि आपको टोटली FPS ड्रॉप ना दिखे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत तो आपको FPS ड्रॉप दिखेंगे। तो इसमें मुझे थोड़े FPS ड्रॉप दिखे थे, बट टच इश्यूज कोई मुझे फेस नहीं हुआ विद ODK आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइज्ड डंक करने, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है टच इश्यूज की। तो अगर आपको यूज़ करना है बस जो इसके दो मुझे बहुत बड़े कॉन लगे, एक इसका कॉन हो गया फेस अनलॉक होना चाहिए, दूसरा इसका हो गया गाइस आपका थोड़ा यार टेम्परेचर मैनेजमेंट अगर ऑप्टिमाइज होता व्हेन गेमिंग तो थोड़ा सही रहता, ठीक है। अब ये यहाँ पे गाइस अगर मैं कहूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रोम की आ जाती है, क्योंकि कर्नल ओवरऑल हम बात करें ODK ठीक है यार, बट स्टिल अगर रोम को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करा होता अपडेट्स अच्छे खासे और निकाले होते तो टेम्परेचर मैनेजमेंट भी सही रहती है, क्योंकि टेम्परेचर मैनेजमेंट गाइस रोम की गिनी जाती है ना कि इतनी स्पेसिफिक कर्नल की, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके सो ये आपको और आपको बता दिया मैंने बैटरी एंड परफॉर्मेंस का। अगर जिस रोम में जैसे कोमेडो रोम है 2.7 उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट भाई इतना बढ़िया है ना यार क्या बोलूँ। पब विद अगर आप कोई अगर मतलब परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत अच्छी, मैंने रिव्यू वीडियोज़ की बना रखी। सो ओवरऑल हम बात करें इस रूम के दो कौन आपको बता दें यूज़ कर सकते हो इस रूम जो आपकी रैथ हो सर वर्जन 1.2 कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बट गेमिंग के लिए आपको या तो कस्टम कर कोई और यूज़ करो अगर आपको करना है। ओवरऑल ऑप्टिमाइज्ड रन करना ठीक है, बट गाइस इट्स अप टू यू, क्योंकि आप पे डिपेंड होगा आप यूज़ कर रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक यूज़र तो वो आप पे डिपेंड होगा। मेरे को देखो इस रूम में कोई दिक्कत नहीं आई, ये दो दिन से इस रूम को मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो गाइस टोटल रिव्यू जो थी पूरा आपको मैंने बेंचमार्क सब कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, ठीक है, फीचर वीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और ओवरऑल ठीक है रूम बैटरी बैकअप के, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड रन करना तो बैटरी बैकअप ऑब्वियसली अच्छी होगी।
परफॉर्मेंस भी ठीक है, डिसेंट, अगर आपको यूज़ करना कर सकते हो। रादर आपके पास और भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, और भी अल्टरनेटिव्स रोम्स अवेलेबल है फॉर आर पोको एफ एम। तो अगर वीडियो पे तो वीडियो को लेकर आना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। रोम फ्लैशिंग प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है यार, जीएफएस पहले से इंक्लूड है इन जिप फाइल। ओके गाइस, मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।